नमस्कार दोस्तों दोस्तों हूँ छू डॉक्टर महेश दाफड़ा। मित्रों आज एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चेनल में 1001 मां आ एपिसोड में आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छू। दोस्तों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चेनल माध्यम थी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भणली એ ઉપક્રમ લઈ અને આપની સમક્ષ હું પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છું। આજે આ ઉપક્રમનો 1001મો આ એપિસોડ આપ સૌ દોસ્તોને અર્પણ કરતા હું ખરેખર ધન્યતા અનુભવું છું। દોસ્તો આજ ચેનલના માધ્યમથી એટલે કે એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ બની રહે છે અને દર અઠવાડિયે કરંટ અફેર્સ એટલે કે તાજેતરની ઘટનાનો વિડીયો આ ચેનલ ઉપરથી પ્રસારિત કરવામાં આવે છે। दोस्तों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ यूट्यूब चेनल माध्यम थी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भणी लीए एनु 1001મો आ एपिशोड अने एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनल पर दर रविवार करंट अफेर्स। दोस्तों आ करंट अफेर्स जो वीडियो है ये वीडियो जो विद्यार्थी हाल स्पर्धात्मक परीक्षा तैयारी कर रहा है एवं विद्यार्थियों सुधी पहुँचाड़ी आप यज्ञ कार्य सहभागी बनशो एवं अपनी पास अपेक्षा रखू छु। दोस्तों आ चेनल माध्यमना बन्ने उपक्रम रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भणी लईए अने दर रविवार करंट अफेर्स। दोस्तों आ बन्ने उपक्रम जो आपने पसंद आता हो तो आ चेनल ने एटले के एज्युकेशन टच नामनी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करशो अने करावशो तमने सविशेष आनंद थशे। चलो दोस्तों आज अभ्यास शुरू करता पहला एक सरस मजा सुविचार हूँ आपनी समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्यो छुं। दोस्तों आज सुविचार, व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना लोगों के मन अंतर्गत को छू जाती है। दोस्तों खरेखर व्यक्तित्व ज एक एवं सफल व्यक्तित्व जो हो जीभ के कलम नो इस्तेमाल कर्या वगर पण लोकोना अंतर्मन ने ए स्पर्श करी जाय छे। दोस्तों आ सरस मजाना सुविचार पछी आपणे आपणा अभ्यासनी वात करीए तो मित्रों आपणे जे भणी रह्या छे ए भणी रह्या छे एक्टिव वॉइस अने पेसिव वॉइस। मित्रों एक्टिव वॉइस अने पेसिव वॉइस अंग्रेजी व्याकरण नो सौथी अगत्यनो आ चेप्टर छे अने ए छे दोस्तों एक्टिव वॉइस अने पेसिव वॉइस। मित्रों आ चेप्टर अंदर आपणे अत्यार सुधीमां जुदा जुदा काळना वाक्यों ने अभ्यास कर्यो हतो, त्यार पछी दोस्तों काळ पछी मॉडल अक्झलरीजना वाक्यों ने आपणे जोया हता, मॉडल अक्झलरीजना वाक्यों पछी प्रश्नार्थ वाक्यों। दोस्तों प्रश्नार्थ वाक्य पछी आपणे थोड़ा अटपटा नियमोवाळा वाक्यों ने जोया हता अने त्यार पछी अत्यारे आपणे जे जोईए छीए ए परफेक्ट इन्फिनिटीजवाळा वाक्यों ने आपणे जोईए छीए। हवे परफेक्ट इन्फिनिटीजवाळा वाक्य होय तो ए वाक्यनुं एक्टिवमांथी पेसिवमां रूपांतरण केम करवुं એના વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ। દોસ્તો પરફેક્ટ ઇન્ફિનિટીઝવાળા જે વાક્યો છે એ વાક્યોને આપણે કેવી રીતે બદલશું એના વિશે વાત કરવાની છે। તો પરફેક્ટ ઇન્ફિનિટીઝમાં દાખલા તરીકે એક્ટિવ વોઇસમાં આપણે લઈએ તો આઈ ઓટ ટુ હેવ રિટન અ લેટર, આઈ વોટ ટુ હેવ રિટન અ લેટર। દોસ્તો આઈ વોટ ટુ હેવ રિટન અ લેટર એ એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે। એનું પેસિવ વોઇસ આ તમે જોઈ શકો છો આઈ વોટ હેવ ટુ રિટન અ લેટર, આઈ વોટ ટુ હેવ રિટન અ લેટર એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે। દોસ્તો એનું પેસિવ વોઇસ કરીએ તો અ લેટર ઓટ ટુ હેવ બીન, આઈ વોટ ટુ હેવ અહીંયા જે લેટર છે એ લેટર આપણે શરૂઆતમાં લઈ લેશું અને એનું પેસિવ કરશું તો અ લેટર ઓટ ટુ હેવ બીન રિટન બાય મી। दोस्तों अहीं बे वाक्य तमे जोई शको छो आई ओट टू हेव रिटन अ लेटर एनु पेसिव वॉइस अ लेटर, अहीं जे लेटर पहला वाक्य में एटले के एक्टिव वाक्य में जे वाक्य अंत्य छे ए लेटर कर्म अहीं आगळ आवी जशे अने ओट टू हेव बीन, ओट टू हेव बीन रिटन बाय मी। दोस्तों आवी रीते एक्टिव माथी पेसिव में आ वाक्य ने बदली शकाशे। दोस्तों एक्टिव माथी पेसिव में बदलती वक्त खास तमे याद राखजो के अहीं जे અ લેટર છે એ પેસિવ વોઇસની અંદર એ શરૂઆતમાં જશે। અ લેટર આઈ ઓટ ટુ હેવ રિટન અ લેટર એ પેસિવ વોઇસમાં આગળ આવશે અને અહીંયા આપણે બિન શબ્દ લગાડેલો છે
टू हेव बीन रिटन बाय मी। दोस्तों आवी रीतना एक्टिव माथी पेसिव मां आपणे आ वाक्यने बदलशुं। मित्रों परफेक्ट इन्फिनिटीज में आपणे अगाउ आई शेल हेव, आई शूड हेव, आई केन हेव, आई कूड हेव, आई विल हेव, आई वुड हेव, त्यार पछी आई मे हेव, आई माइट हेव, आई मस्ट हेव अने अत्यारे आपणे आई ऑट हेव साथे अहीं परफेक्ट इन्फिनिटीज जे वाक्यो छे ये परफेक्ट इन्फिनिटीज वाक्यों ने अपने पूर्णविराम आपीए छे। मित्रों फरी एक वार आप सौ दोस्तों ने परफेक्ट इन्फिनिटीज वाक्यों वधु वधु प्रेक्टिस करशो तो चोक्कसपणे आ बधाज वाक्यों मित्रों तमने आवडी जशे, तेमां कोई शंका ने स्थान नथी। दोस्तों फरी एक वार आप सौ मित्रों ने खास विनंती छे कि वधु वधु प्रेक्टिस करशो तो आ परफेक्ट इन्फिनिटीज वाक्यों छे ए तमने परफेक्ट इन्फिनिटीज वाक्यों आवडी जशे। मित्रों फरी एक वार आप सौ दोस्तों ने खास विनंती छे एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करशो अने कराशो तो मने पण एक जातनो बळ मळी रहेशे। चलो दोस्तों फरी पाछा मळशुं आवतीकाले, त्यां सुधी भारत माता की जय।